कसक है, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अब बज रहे हैं 11 और मेरे को 11 बजे निकलना था पर बहुत लेट हो गया है। कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज जा रहा हूँ कुछ काम से, कुछ पेपर वर्क, कुछ लेटर वेटर देना है, वो सब करके फिर घर आ जाऊँगा। पर इतने टाइम बाद कॉलेज जा रहा हूँ भाई, घर में बैठ बैठ के परेशान हो गया है यार। चार दीवारों के अंदर वही शक्लें देख के सब परेशान हो गए, इसलिए कॉलेज जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस व्लॉग में। और जिन लोग कॉलेज मिस कर रहे हैं, जो लोग अपने कॉलेज मिस कर रहे हैं, एक कौवे का आवाज़ का, जो लोग अपना कॉलेज मिस कर रहे हैं, प्लीज़ बने रहिए, मैं अपना कॉलेज दिखाता हूँ। डाल दो कमेंट सेक्शन में पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाइस हम लोग अभी पहुंच गए ठाकुर। हाँ, 11वीं से कुछ साल ठाकुर में बिता के ठीक है यार, अपने लिए कॉलेज ठीक है। ये कुछ काम से है फिलहाल, जो गाड़ी पार्क करनी पड़ती है उस तरफ और चलना पड़ता है इस तरफ। बहुत लंबा प्रोसेस है यार, बहुत लंबा प्रोसेस है, पता नहीं लेट्स सी क्या होता है, देखते भाई। टोटल सन्नाटा देख रहे हो भाई, ऐसा होता है टोटल सन्नाटा। एक्चुअली ये लिख रहे हैं 9 मार्कशीट्स के लिए, जैसे मैंने आपको बोला अभी, और इतने टाइम बाद लेटर लिख रहा हूँ, उनको घंटा कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं आ रहा है। आसपास के लोग ऐसे देखते हैं भाई जैसे उनकी किडनी मांग ली हो भाई, ये क्या अलग चोरी चल रही है, ये तो कभी हमने देखा ही नहीं है लाइफ में भाई। सारे तुम बकचोदी तो करते ही हो, किसी और की भी बकचोदी देख लो। और सब देखो क्यों भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। साल ठाकुर में बिताया ना, पर एक चीज़ चेंज हुई, वो है पिंटो की मैगी और पिंटो का कॉफ़ी कॉर्नर। भाई अभी लेके जाता हूँ वहाँ पे आपको, वो चीज़ कभी चेंज नहीं हुई है। बहुत टाइम से, मतलब 5-6 साल से ठाकुर में, हम 4-5 साल से ठाकुर में, पर पिंटो की मैगी का स्वाद भाई चखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी ठाकुर में अभी नए आएंगे या है ठाकुर में, तो पिंटो के पास हैंग आउट करना इज़ द बेस्ट प्लेस यार। चलते वहाँ पे, चलने की भी क्यों चलेंगे यार, बंद है अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते, वरना पिंटो के पास से मैगी और कॉफ़ी लेके यहाँ पे बैठना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू व्हाइल अवे योर टाइम। बकचोदी नहीं करने, टाइम पास करना है, लेक्चर्स नहीं बैठना है भाई, इधर आओ, पिंटो की मैगी लो, पिंटो की कॉफ़ी लो और इधर आके बैठो। वो जो पीछे आप देख रहे हो वो ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये पूरा जगह गैंगवे है, और बहुत मज़ा है। ठाकुर की जो भी लाइफ हमने बिताई है ठाकुर में, जितना भी टाइम हम थे, अभी लास्ट ईयर है यार, अफसोस है कि ठाकुर छोड़ना पड़ेगा, बट ठाकुर ने बहुत मेमोरीज दिए, बहुत लिटरली बहुत मेमोरीज दिए। मतलब बहुत नॉस्टैल्जिया है कि ऐसे खाली कॉलेज कैमरा के साथ एंड कैप्चरिंग दोज मोमेंट्स इज़ सो गुड, बिकॉज
और जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने ठाकुर छोड़ा है दे ऑल्सो रिग्रेट कि यार ठाकुर नहीं छोड़ना चाहिए था, ठाकुर नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ भले ठाकुर फीस ज़्यादा लेता है पर भाई मेमोरीज तगड़ी देता है, भले फीस ज़्यादा लेता है पर यहाँ पे जो फ्रेंडशिप्स बनती है, यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनते हैं वो भाई एंड तक रहते हैं। यू नो आज अकेला आया हूँ मैं, इस वजह से थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू नो मेरे को ये बहुत सारे मोमेंट्स कैप्चर करने थे, बहुत सारी चीज़ें देखने थे और बहुत सारे यू नो ठाकुर के लाइफ, अभी पता नहीं कोरोना कब जाएगा, पैंडमिक कब ख़त्म होगा, कॉलेज आ भी पाएंगे कि नहीं, या सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए आ पाएंगे या डायरेक्टली पूछ देंगे, कुछ पता नहीं। लास्ट ईयर है, उसके बाद ठाकुर की शक्ल भी नहीं दिखेंगे भाई, इसलिए ठाकुर है, एंजॉय करना। वेलकम बैक गाइस, और 3 बजे और खाना खा के अभी बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। जो काम के लिए गए थे कॉलेज वो काम फाइनली हो गए, ओरिजिनल मार्कशीट्स मिल चुके हैं और ज़्यादा झंझट मारी करने नहीं पड़ी। बहुत सॉर्टेड है ठाकुर का सिस्टम भाई, अगर तुम स्पोर्ट्स वाले हो तो बस जाना है जिम खाना में, स्पोर्ट्स डायरेक्टर से बात करना है, प्यून से बात करना है, उनको बोलना है भाई ये सब सीन है मेरा, मेरे को चाहिए, ना लेटर का झंझट मारी, ना ये काउंटर से दूसरे काउंटर पर जाना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उनको बता दो कि क्या काम है, वो अपना काम करके दे देंगे, सीधा मेरे को ढूंढ के मेरा मार्कशीट दे दें। मतलब इसीलिए मैंने ठाकुर लिया था भाई। ठाकुर का कैसा सीन है कि भाई अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते हो तो उनको रिजल्ट दो, उनको जीत ला के दो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, राइट। ये इसलिए ना ठाकुर मेरे बहुत करीब है, आई एम प्राउड टू बी अ ठाकुर राइट बेसिकली। तो हाँ बस कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जो है वो बोल रहा हूँ कि लाइक जूनियर कॉलेज डेज से इतने साल ठाकुर में बिताए और इतने मूमेंट्स किए ना, तो एक मैंने प्रॉमिस किया था कि हर एक व्लॉग में एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आप और मैं दोनों रिलेट करते हैं। और फिलहाल नोस्टैल्जिया बहुत है मेरे अंदर अभी, बिकॉज थोड़े महीनों में कॉलेज ख़त्म होने वाला है, लाइक लिटरली कॉलेज ख़त्म होगा और कुछ बकचोदी नहीं कर पाएंगे, अब ज़िंदगी बकचोदी करेगी अपने साथ। और वो जब कॉलेज में था ना वो पीस था, मतलब ठाकुर कॉलेज और शांति, ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो सकते। जो जो लोग ठाकुर के बारे में जानते हैं उनको पता है कि ठाकुर कॉलेज में शांति मिलना बहुत मुश्किल है भाई, पर आज शांति मिली। और आज ऐसा महसूस हुआ कि यार इतने साल ये कॉलेज में बिताए, इतने साल बहुत सारे मेमोरीज बनाए, बहुत सारे नए दोस्तों से मिले, बहुत सारे नए लोगों से मिले, बहुत सारे बकचोदी की, बहुत सारी गलती की, बहुत सारी सक्सेस लिए, बहुत कुछ किया कॉलेज में, और अभी अचानक ये ख़त्म हो जाएगा। तो और अभी ड्यू टू दिस पैंडमिक लास्ट ईयर में एंजॉय नहीं कर पा रहे घर पे, ये तो पूरा साल तो ऐसे ही निकल जाएगा और कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो लास्ट ईयर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ना वन थिंग मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो आपके स्कूल डेज है, जो आपके कॉलेज डेज है, प्लीज़ होल हार्टेडली एंजॉय करो। कॉन्शियस मत हो जाओ कि गलती नहीं करनी या ये नहीं करना वो नहीं करना, कॉन्शियस मत हो जाओ यार, सब करो। ये जो स्कूल फ्रेंड्स रहते, कॉलेज फ्रेंड्स रहते, जो अपने साथ रहते, ये सब बकचोदियों में, ये सब कांड में, भाई सच बोलता हूँ आगे जाके लाइफ में ना ये बहुत, मतलब बैठ के हंसोगे इस बात पे, गप्पे लड़ाओगे इस बात पे। तो आज जो नोस्टैल्जिया मैंने महसूस किया ना वो बहुत टाइम बाद आया, बिकॉज वो सबका रहता है कि भाई जिस कॉलेज में रहते हैं वो कॉलेज को गाली देते हैं, बट लिटरली आज महसूस हुआ कि यार ये कॉलेज नहीं होता तो क्या होता यार, वो आधी नींद से उठ के लेक्चर में जाना, वो प्रॉक्सी लगा देना, बंक करना, वो हम लोग कॉलेज के पास मैकडोनल्ड्स है तो वो एक अड्डा हो जाता था, तो ऐसे ही उठ मैकडोनल्ड्स चले जाना और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, और टीचर्स भी इतने फ्रेंडली थे, इवेंट्स रहना, ये वो कुछ ना कुछ कॉलेज में चलते रहता था, वो अचानक अब कुछ नहीं होगा। जहाँ टीचर डांटती थी और टीचर के साथ मस्ती करते थे, अब भाई बॉस डांटेगा और बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते, और काम में क्या बकचोदी करोगे तुम, बहुत बोल दिया है।
नहीं पर सीरियसली सीरियसली जो मैं ये सीरियसली आपको बोलना चाहता हूँ कि जो आपके कॉलेज लाइफ है, जो आपकी स्कूल डेज है, प्लीज़ उसको थरली एन्जॉय करिए, बिकॉज अगर ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा ये टाइम। अगर ये टाइम में करियर कॉन्शियस, ठीक है करियर कॉन्शियस फोकस होना ज़रूरी है, बट और भी ज़रूरी है कि मस्ती करना यार, गलतियाँ करना, बकचोदी करना, कांड करना, मतलब ये सब भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और अगर ये नहीं किया तो फिर मेमोरीज कैसे बनाओगे? और बहुत पता है बहुत बोल रहा हूँ पर सीरियसली बहुत कुछ भरा है अंदर, बिकॉज वो एक हार्टफेल्ट इमोशन है यार, बिकॉज ख़त्म हो रहा है सब कुछ, कॉलेज ख़त्म हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है अभी, और एक नई ज़िंदगी शुरू होगी कुछ महीनों में। बट ये जो मोमेंट्स है ना वो प्रिजर्व करूँगा हमेशा। और मैं अगर मेरे जो भी मेरे दोस्त थे, जो मेरे को बहुत मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, जो मेरे साथ मेरे कॉलेज और स्कूल डेज से, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, गाइस थैंक यू सो मच। अगर तुम लोग नहीं रहते मेरे लाइफ में यार, मज़ा ही नहीं कर पाता। मैं था बॉय स्कूल में भाई, और बॉय स्कूल की बकचोदी भाई ये लेवल पे होती है, बॉय स्कूल की बकचोदी। तो मेरे जो भी मेरे स्कूल के दोस्त लोग हैं उनको पता रहेगा कि क्या कांड करते थे हम लोग स्कूल में। तो जो स्कूल लेवल की जो मस्तियाँ हैं वो तो भाई इधर है, बट ठाकुर ने भी बहुत कुछ दिया यार। ठाकुर के लिए बहुत मतलब थैंक यू सो मच कि मैं ठाकुर कॉलेज से था, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को ये कॉलेज में एडमिशन मिला, और बहुत सारी चीज़ें हुई, नॉस्टैल्जिया है सब कुछ, बिकॉज अभी सब ख़त्म हो रहा है। बस एक याद रखना कि जो आपके स्कूल डेज है, जो आपके कॉलेज डेज है, ये लौट के नहीं आएंगे वापस। तो जितना यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू, जितना यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीज डेज, ग्रैब देम यार, यू नीड देम, बिकॉज वंस यू गेट स्ट्रेस्ड इन लाइफ दीज मोमेंट्स वुड मेक यू लाफ। एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज मेरा एक दोस्त है हर्ष, उसका बर्थडे है, एंड वी आर उसका आज नहीं है एक्चुअली, सॉरी आज बर्थडे नहीं है उसका, एक्चुअली उसका बर्थडे है कल, और आज 12 बजे हम केक काटने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिए इस व्लॉग में, एक्चुअली वो थोड़ा शाय है इसी वजह से व्लॉग बनाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हैप्पी बर्थडे हर्ष, स्टे ट्यून्ड। और मेरे दोस्त का बर्थडे था हर्ष, जो मैंने आपको बोला था, तो अभी उसके घर से आया है केक काट के। तो ये अभी का व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ, दिस इज द पार्ट वन, और अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि क्वारंटाइन और लॉकडाउन में भी बर्थडेज कितने ब्यूटीफुल और कितने वंडरफुल तरीके से सेलिब्रेट हो सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।